सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अचकनी ब्लॉग्स। दिस इज मी आदित्य पटियाल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज जो है हमारा डे फिफ्थ है कश्मीर के अंदर। इट्स बीन 4-5 डेज और दिन इतनी जल्दी निकल गए कि पता भी नहीं चला। और इससे पहले भी ऑलमोस्ट 4-5 वीडियोज आ चुकी हैं। सो आई वुड से कि एक बार आप जाके वो ज़रूर चेक करो, बिकॉज मैंने जो है वो वीडियोस काफ़ी डेप्थ में बनाने की कोशिश करी है। और आपको यहाँ पे कश्मीर की जो खूबसूरती है, जैसे कि इसे जन्नत बोलते हैं, तो वो मैंने सारा कवर करने की कोशिश करी है। और लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसके अंदर हम जो है मैंने आपको डल लेक दिखाई थी, और डल लेक यहाँ की श्रीनगर की काफ़ी फेमस है। बट आज जो है, आज हमारा बेसिकली सैडली टू से लास्ट डे है श्रीनगर में, और आज हम यहाँ से जो है वापस जाने वाले हैं। सो अभी टाइम हो चुका है 9:46 और हमारी जो है 2:50 की फ़्लाइट है यहाँ से अमृतसर के लिए। और डायरेक्ट चंडीगढ़ नहीं जा रहे, अमृतसर जाएंगे, वहाँ से आगे जाके देखते हैं क्या होता है। सो अभी आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर मैं बेसिकली आपको नगीन लेक एक यहाँ पर बहुत फेमस लेक है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हम बोट हाउस में रुके हैं। कल रात मैंने आपको बोट हाउस भी दिखाया था। सो हम जो है कल रात बोट हाउस में रुके थे, और ठीक है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और डल लेक की जगह हम मैंने चूज़ किया था नगीन लेक, बिकॉज डल लेक थोड़ी सी गंदी है और वहाँ पे वो वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए हम नगीन लेक में रुके थे। सो आज जो है हम आपको नगीन लेक यहाँ पे दिखाने वाले हैं, और उसके बाद सीधे जाएंगे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से फिर इस जो खूबसूरत सफ़र की जो एंडिंग है वो कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब जो है फाइनल रेडी होते हैं और अपना ये सफ़र जो है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो यार, निकलने से पहले एक बार मैंने सोचा आपको ये प्यारी सी हाउस बोट जो है इसका एक टूर दे दिया जाए, बिकॉज काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। सो ऐसी कुछ हाउस बोट अंदर से है, ये आप देख सकते हो। ऊपर पूरा जो रूफ़ है वो वुडन का है, और अंदर भी जो है सारा वुडन का काम है, और सारी नीचे जो है वो कारपेटिंग हो रखी है एज़ यू कैन सी, और सारा हैंड क्राफ्टेड वुड का यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और कश्मीर की ये खासियत है यार, अगर आप यहाँ आओगे तो आपको सारे होटल, सारी हाउस बोट, हर जगह जो है वुडन का काम और जो कारपेट्स है वो बहुत फेमस है यहाँ के, तो वो देखने को मिलेगा। जैसे कि ये टेबल भी देखो, हैंड क्राफ्टेड है, और ऐसा कुछ जो है इंटीरियर है हाउस बोट का। एक बार व्यू यहाँ से चेक करो। ये अभी हम नगीन लेक पर रह रहे हैं, और बहुत खूबसूरत लेक है। मैं आपको बताऊँगा आगे चल के कि ये बेटर क्यों है डल लेक से रहने के लिए। और ये देखो भाई, हर जगह जहाँ आपकी नज़र जाएगी भाई वहाँ पे वुडन का काम है। और अब चलते हैं रूम की तरफ, और मैं आपको एक बार रूम जो है वो दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो ऐसा कुछ जो है अंदर से आपको रूम देखने को मिलेगा, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगी, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल, फ़ैन और अटैच वॉशरूम, बाथटब सब मिलेगा। ऐसा कुछ जो है रूम है, वार्डरोब वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा, और हर जगह वुडन का काम एक नंबर हो रखा है भाई। अब मैं आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ। सो ऐसा कुछ जो है वॉशरूम है, और इस साइड जो है बाथटब लगा हुआ है एक छोटा सा। सो आई वुड से कि बोट हाउस के अकॉर्डिंगली डिसेंट है। और अब चलते हैं बाहर की तरफ, और आगे अब यहाँ से सफ़र जो है स्टार्ट करेंगे, और आपको बाहर से दिखाता हूँ। यहाँ से तो दिखेगा नहीं, बाहर से दिखाता हूँ। सो फाइनली वी हैव लेफ्ट फ्रॉम द हाउस बोट, और अभी जो है हम शिकारा के थ्रू जा रहे हैं दूसरी साइड पे। और ये देख लो भाई, ऐसी कुछ जो है हाउस बोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। नगीन लेक और डल लेक दोनों पे ऐसी काफ़ी सारी हाउस बोट्स हैं, और ये देखने में थोड़ी छोटी लग रही होंगी अभी कैमरा में, बट बहुत ह्यूज हैं। और एक बार ये व्यू चेक करो यार, नगीन लेक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी क्लीन है डल लेक के कंपेरिजन में। जस्ट हैव अ लुक एट दिस व्यू यार, कितना ही खूबसूरत है। और नगीन लेक में एक चीज़ बोलूँगा कि डल लेक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्वाइट और पीसफुल है। सो जिसको पीसफुल स्टे चाहिए वो यहाँ पे ज़रूर स्टे करे। डल लेक पे हाउस बोट में स्टे करना यार मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा, बिकॉज वहाँ पे जो हाउस बोट्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पार्क्ड हैं, और वो एक वाइब सी नहीं आती वहाँ पे रहने वाली। सो अगर आप कश्मीर आ रहे हो और आपको हाउस बोट में स्टे करना, तो आई वुड से कि नगीन लेक इज़ द राइट चॉइस फॉर यू ऑल। तो यार, वी हैव रीच्ड श्रीनगर एयरपोर्ट, और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स पे हमें रोक लिया गया है।
और यहाँ पे डबल बार चेकिंग होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके अपने होटल से चेकआउट करो आई वुड से। तो यार एक बार चेकिंग हो चुकी है और दूसरी बार अब होगी, यहाँ पे हमारे बैग्स चेक होंगे एंड देन वी विल गो इनसाइड। सो अगर कोई भी श्रीनगर एयरपोर्ट आ रहा है, आई वुड से कि आप एटलीस्ट 2 घंटे पहले होटल से चेकआउट कर लो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मिस योर फ्लाइट। सो वी आर फाइनली इनसाइड द श्रीनगर एयरपोर्ट, और अंदर से एयरपोर्ट कुछ ऐसा है देखने में, और अभी जो है हम बस बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो वी विल जस्ट कलेक्ट आवर बोर्डिंग पासेस फ्रॉम हेयर। तो यार ये देखो एक शॉप यहाँ पे ये है खाने की, और 2 शॉप सिर्फ और हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, जितना खूबसूरत कश्मीर है उतना ही घटिया यहाँ का जो है आई वुड से एयरपोर्ट है श्रीनगर का। यार ये चीज़ जो है ना एक बार आपको दिखानी ज़रूर बनती है, आप एक बार खुद देखो। आई वुड से कि ये एयरपोर्ट की हालत इतनी ख़राब है कि ये एयरपोर्ट कम और रेलवे स्टेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है। एंड मतलब यार हायर अथॉरिटीज़ को ज़रूर कुछ करना चाहिए या सोचना चाहिए इसके बारे में। तो यार एट लास्ट ये जो खूबसूरत सी जर्नी थी कश्मीर की, ये एंडिंग की तरफ आ गई है, और अब हम जा रहे हैं अपनी प्लेन की तरफ सैडली। सो वी आर रेडी टू टेक ऑफ, एंड एज यू कैन सी प्लेन जो है अपना रनवे पे आ चुका है, और बस अब जो है टेक ऑफ होने वाला है। और मैंने ये सोचा कि एक बार जो है मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और ऊपर से जो पूरा श्रीनगर का व्यू आने वाला है, आई एम प्रिटी श्योर वो बहुत खूबसूरत होगा, उसे कैप्चर करूँगा। और ये इंडिगो की फ़्लाइट थोड़ी बम्पी जा रही है, मुझे इंडिगो पे ज़्यादा भरोसा है नहीं वैसे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो भाई टेक ऑफ जो है वो हो चुका है, और अब आप व्यू देखना आगे जाके, आपको एक नंबर जो व्यू है वो देखने को मिलने वाला है आई एम प्रिटी श्योर। और अभी थोड़ी सी आपको झलकी जो है वो दिख रही होगी, बाकी आगे जाके मैं आपको अच्छे से व्यू दिखाता हूँ ऊपर का। क्या ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यार ऊपर से, ये एक बार चेक करो, ये नीचे जो है छोटी छोटी बिल्डिंग्स और आपको हाउसेस कंस्ट्रक्टेड दिख रहे होंगे, ये पूरा ऊपर से श्रीनगर है ऐसा कुछ देखने को लगता है। और ये जो कश्मीर की पूरी जर्नी थी यार बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही मेमोरेबल थी मेरे लिए, एंड मैंने ट्राई किया है ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने का, बिकॉज़ यही चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में मेमोरीज बन के रह जाती हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी सारे लोग होंगे जो किसी भी अलग अलग रीज़न से विजिट नहीं कर पा रहे, सो दे कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो एंड एटलीस्ट बी हैप्पी। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल व्यू यार, मतलब इस टाइम क्या ही खूबसूरत नज़ारा मेरे सामने मुझे देखने को मिल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा होगा, और ऐसे जो क्लाउड्स हैं यार मतलब बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह लग रहे हैं, ये कहाँ ही आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर में ही ऐसी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड एक बार ये व्यू चेक करो यार, कितना ही प्यारा है। तो यार पहले जो क्लाउड्स है वो एकदम स्टेशनरी थे, और अब देखो भाई क्लाउड्स जो है वो कैसे स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं, और मैं ये वीडियो स्लो मोशन में नहीं बना रहा, ये खुद ही जो है ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। और अभी हम बिल्कुल जो है क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं, और ये देखो भाई बिल्कुल हम जो है बादलों के अंदर आ चुके हैं, और क्या ही प्यारा व्यू है यार। और ये जो है यार मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियोस जो है उसके मीडियम से खुद के लिए भी मेमोरीज कैप्चर कर पाऊँ, और आपको भी खूबसूरत जो व्यू है और राइट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर पाऊँ। सो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर एक बार लाइक और कमेंट करना। एंड आज की वीडियो जो है हम इतनी ही रखेंगे, अभी फ़िलहाल बस जो है छोटा सा सफ़र है अमृतसर तक का, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपके लिए 2 रेयर सुपर क्लासिक सुपर बाइक्स लेके आने वाला हूँ, सो वो भी एक बार ज़रूर चेकआउट करना। तो लो जी अमृतसर एयरपोर्ट पे अपना स्वागत हो चुका है, और यहाँ से अब सीधा चलेंगे पठानकोट। तो एक बार व्यू चेक कर लो भाई अमृतसर का, कश्मीर से आने के बाद यहाँ पे ये व्यू देख के थोड़ा अजीब लग रहा है। तो आज की वीडियो को जो है यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो सुपर बाइक्स पे आने वाली है। सो टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ गाइज़।